तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन वाली वीडियो में बताया था कि जिन जिन देशों ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट किया है, उन देशों ने खुद ही अपने यहां पर खाद्य संकट को आमंत्रण दिया है। और आज उन देशों की हालत जैसी है वो आप सभी देख ही सकते हो। इजिप्ट का हाल मैंने आपको कल बता ही दिया है। वहीं बात करें यदि तुर्की की, तो तुर्की भी दुनिया को दुगनी कीमत देने को तैयार है, परंतु तुर्की को कोई भी गेहूं नहीं दे रहा। और यूक्रेन से जो तुर्की गेहूं खरीद रहा था वो भी अभी तुर्की नहीं पहुंचा है, क्योंकि बीच में माइंस लगी हैं और माइंस के कारण जो यूक्रेन से गेहूं है वो तुर्की के लिए रवाना नहीं हुआ। पर दोस्तों, भारत सरकार ने जैसे ही भारत के गेहूं पर बैन लगाया, कुछ चालाक देशों ने भारत के फटाक से आटे का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आप सभी को बता दूं कि गेहूं के एक्सपोर्ट के बैन के बाद में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर 1,00,000 टन आटे का एक्सपोर्ट कर डाला। पर दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के अंदर गेहूं की शॉर्टेज ना हो इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, वैसे ही भारत सरकार अब आटे के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने जा रही है। पर दोस्तों, यहां पर गेहूं और आटे के मुकाबले में हम उतने बड़े एक्सपोर्टर नहीं है जितने कि चावल के एक्सपोर्ट के मामले में है। दरअसल स्क्रीन पर आप सभी एक इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल देखिए, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि गेहूं के एक्सपोर्ट के बैन के बाद दुनिया के कई सारे देशों को अब ऐसा डर लगने लगा है कि गेहूं के एक्सपोर्ट के बाद कहीं भारत सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन ना लगा दे, क्योंकि भारत के अंदर चावल की जो कीमतें हैं वो तो स्थिर बनी हुई है, परंतु अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चावल की कीमतें हैं वो लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। भारत के ही चावल की बात करें तो पहले भारत 26 से 28 रुपए प्रति किलो चावल बेचता था, पर आज भारत का चावल 30 से 32 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यानी बात साफ है कि भारत के चावल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा होने के पीछे विशेषज्ञों ने ऐसा कारण दिया है कि जो गेहूं के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस है वो अभी उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, और एक एवरेज गेहूं के जो प्राइस है वो 40 रुपए प्रति किलो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चावल का एक एवरेज प्राइस 35 रुपए प्रति किलो है। यानी खाने के अंदर चावल को यदि इस्तेमाल करें तो गेहूं से चावल ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और बस यही डर विशेषज्ञों को सता रहा है कि यदि वैश्विक जनसंख्या के द्वारा गेहूं की बजाय चावल की ऊपर निर्भरता को ज्यादा कर दिया गया तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ना सिर्फ चावल की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी और चावल के जो प्राइस है वो गेहूं से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। और जहां पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर देश है, भारत के लिए भी चावल को निर्यात करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भारत को अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त स्टॉक बचाकर रखना है, साथ में दुनिया भर के कई सारे गरीब देशों के अलावा जो जरूरतमंद देश हैं उनके लिए भी चावल का एक्सपोर्ट करना है। और बस इसी डर के कारण ऐसा अब लग रहा है कि यदि वैश्विक जनसंख्या चावल का उपभोग ज्यादा करती है तो भारत भविष्य में चलकर चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, और ऐसा करने से दुनिया के कई सारे देशों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा जो भारत का गेहूं रिजेक्ट कर चुके थे। पर दोस्तों, भारत सरकार ने अभी आश्वासन दिया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक उपलब्ध है और हम किसी भी प्रकार से चावल के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाएंगे। बाकी आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और जिन देशों ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट करके भारत के अन्नदाताओं का अपमान किया था, क्या उनको हमें चावल भेजना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपील आवश्यक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।